हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इजी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जिनको वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। देखिए, होता क्या है कि जब अगर आपने कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है तो उससे हमारी मसल्स उम्र के साथ साथ कमजोर होती जाती है, बोन्स हमारी कमजोर होती जाती है। और फिर जब आप एक उम्र के बाद में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपकी बॉडी ना ही तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ना ही आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको इजी एक्सरसाइज सेलेक्ट करना होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आसान भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं अगर आप 50 की उम्र के आसपास के हैं और इस उम्र में आप स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं या फिर अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आप इन एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तब भी आप इन सारी एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। अब अपने एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और एक हाथ को नीचे इस तरीके से रखेंगे। बिल्कुल सीधे आपको खड़े होना है और सामने की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ को आपको आगे इस तरह से सर्कल बनाते हुए लाना है, पीछे दूसरे हाथ से इस तरीके से सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमें 10 बार करनी है एक साइड से और 10 बार फिर हमें इस तरीके से पीछे की तरफ रिपीट करना है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे आप आगे सर्कल बनाए चाहे आप पीछे सर्कल बनाए, दोनों ही केसेस में आपको अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। कोशिश करें कि ये कम से कम मुड़े, ठीक है। तो चलिए पोजिशन ले लीजिए और साथ में स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, कमर सीधी, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं पे जहां पे खत्म किया यहीं से हम रिवर्स स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, कमर सीधी, फेस सामने की तरफ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। एक्सरसाइज देखने में बहुत सिंपल सी है लेकिन ये आपकी आर्म्स के फैट को रिड्यूस करती है, आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाती है और साथ ही साथ जब आप कोर एंगेज करके खड़े होते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, कमर को सीधा रखते हैं तो इससे आपका पोस्चर भी सही होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी कमर ऐसे आगे की तरफ झुकने लगती है, उसका कारण होता है कि हम मैक्सिमम टाइम गलत पोस्चर में रहते हैं। तो अगर आप अपना पोस्चर सही रखेंगे एक्सरसाइज के टाइम पे भी, अगर आप आधा पौने घंटा एक्सरसाइज करते हैं उतना देर भी अपना पोस्चर सही रखते हैं तो आपका पूरा दिन भी आपका पोस्चर सही ही रहेगा। अब देख लेते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अगेन इस तरीके से सीधे खड़े होंगे, कोर को एंगेज करेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखने का मतलब सांस रोकना नहीं है, ब्रीदिंग आप करते रहिए, जस्ट आपको अपने कोर होता है हमारे नाभि से 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे का, आगे से पीछे तक का पूरा ये एरिया, इसको आपको पूरा खींच के रखना है। इस तरह सीधे खड़े होंगे, अब दोनों हाथों को अपनी कमर पे इस तरीके से रखिए, एक हाथ को इस तरह से साइड में लेके जाइए और फिर हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए इस तरीके से पूरा टर्न करेंगे एंड बैक, ये हाथ वापस अपनी जगह पे आएगा, फिर दूसरे हाथ से हम दूसरी साइड में इस तरह से टर्न करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, घुटनों को सीधा रखिए, अपनी जगह से उठाना नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये आपकी कमर के फैट को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आपके पेट के मोटापे को कम करने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी है जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इसको करने के लिए इस तरीके से पैरों के बीच में गैप देंगे, जितना आप आराम से गैप मेंटेन कर सकते हैं उतना गैप दीजिए। इस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, मेक श्योर कि आपकी कमर सीधी हो। अब इस तरह से खड़े होंगे, अब अपने एक हाथ को आपको ऐसे ऊपर लेके जाना है धीरे धीरे एकदम कान के पैरलर, और यहीं पे आपको इस तरीके से साइड में बैंड होना है जितना आप आराम से हो सकते हैं। इस हाथ को आप चाहें तो इस तरह से कमर पर रखिए या फिर आप इस तरह से एकदम फ्री भी छोड़ सकते हैं, और इस तरह से आपको साइड में पूरा बैंड होना है।
बैंड होते वक्त अगेन आपको कोर एंगेज करके रखना है, और दूसरा अपने कान के पैडलर ही अपने हाथ को रखना है, बहुत ज्यादा आगे या पीछे इसको ना हिलाएं। तो चलिए ये भी हम करेंगे सिर्फ 10 बार। तो टेक पोजीशन एज यू आर कंफर्टेबल एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैर सीधे रखेंगे। 9, 10 रिलैक्स। अब अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। नॉर्मली आपको ब्रीथ करना है। देखिए जितना रेपिटेशंस मैं आपको बता रही हूँ उतने रेपिटेशंस तो आपको करने ही करने हैं। स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन आप सिर्फ इतने रेपिटेशंस कीजिए, और फिर धीरे धीरे इनके रेपिटेशंस को आप इंक्रीज करते जाइए, और साथ में और नई नई एक्सरसाइज को जो जो आप इजीली कर सकते हैं उनको अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करते जाइए। इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और आपकी बॉडी का पॉस्चर भी सही रहेगा, और आपको जो छोटी मोटी बीमारियां इस उम्र में लग जाती हैं वो भी आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से अगेन बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, पैरों के बीच में नॉर्मल गैप रखेंगे, फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरा बॉडी को एक बार पूरा अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। जब आपने बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच किया है तो आप देखेंगे कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर का पॉस्चर जो अभी है वही रखना है। आपको इस तरीके से अपने एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है ऐसे, एंड टच बैक। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका पैर इतनी ऊपर ना आ पा रहा हो, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये प्रॉब्लम आपको और ज्यादा हो सकती है, तो आपको ये कम से कम करना है। अगर नहीं उठा पा रहे कोई बात नहीं, जस्ट डू लाइक दिस, जितना आराम से कर सकते हैं उतना आप आराम से कीजिए, ठीक है। चलिए अक्सर हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या गलती करते हैं कि जब हम इस तरह से ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे जाने के चक्कर में अपनी कमर को ऐसे मोड़ते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। कमर को इस तरीके से नहीं मोड़ना है, कमर बिल्कुल सीधे रहेगी, जस्ट आपके हाथ नीचे जाएंगे और पैर ऊपर आएगा, ठीक है, कमर एज इट इज सीधी रहेगी। तो चलिए इसके हम करते हैं 10 रेपिटेशन। तो सबसे पहले पोजीशन लेंगे, पैरों के बीच में नॉर्मल गैप, हाथों को ऊपर स्ट्रेच, कमर एकदम सीधी, पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ, एंड लेट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। सो नाउ वी विल प्रैक्टिस फॉर अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज अपर स्ट्रेच। अपर स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से पैरों के बीच में गैप करेंगे, हाथों की जो अंगूठा है उसको अंदर लेके जाएंगे, उंगलियों को ऊपर से इस तरह से लॉक कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हाथों को ऊपर सीधा करेंगे ऐसे, अब अपने एक पैर को ऊपर लेके आएंगे और हाथों को नीचे लाइक दिस एंड बैक, दिस एंड बैक। मुट्ठियों को आपको एकदम टाइट रखना है। जब आप मुट्ठियों को टाइट रख के इस तरह से ऊपर नीचे स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आर्म्स पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, आपकी आर्म्स की जो मसल्स है वो स्ट्रांग बनेंगी, और आपकी जो आर्म्स की लूज स्किन है वो भी आपकी धीरे धीरे करके टाइट होने लग जाएगी। तो चलिए टेक पोजीशन, हाथों को इस तरह से रखेंगे, अंगूठा अंदर, उंगली ऊपर से एकदम ऊपर, कमर सीधी, अगेन जैसे पहले बताया था वो सारे प्रिकॉशन आपको इस एक्सरसाइज में भी लेने हैं। लेट स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। तो फ्रेंड्स ये थी वो 5 एक्सरसाइज जिनके साथ में आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक्सरसाइज जरूर पसंद आई होंगी। किसी भी एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।